सोशल मीडिया पर हैशटैग मीटू अभियान की फैली आग ने धीरे धीरे बॉलीवुड के बाद राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मचा दी है। हैशटैग मीटू की इस आग से केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर भी नहीं बच पाए हैं। पत्रकार से राजनीति में आए विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ शुरू हुए हैशटैग मीटू कैंपेन के अब तक 9 महिला पत्रकारों ने अपने बुरे तजुर्बे खुले तौर पर दर्ज कर दिए हैं, मगर खुद अकबर ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है। कई नेताओं ने लिया संज्ञान। एमजे अकबर भारत में सरकारी ओहदे वाले पहले पदाधिकारी और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जिनके खिलाफ ये विश्वव्यापी कैंपेन शुरू हुआ है। इसलिए कई विपक्षी नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है, जिसके चलते अब सरकार में खलबली मच गई है। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की है, तो वहीं खुद केंद्र सरकार में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली है, जबकि केंद्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हैशटैग मीटू अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को सामने आकर शिकायत करने का हौसला मिला है और उन्होंने एमजे अकबर पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर जांच की बात कही है। बीजेपी पर बढ़ा दबाव। एमजे अकबर पर यौन शोषण के लगे आरोपों के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से उन्हें नाइजीरिया दौरे को जल्द खत्म कर वापस लौटने को कहा गया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने नाइजीरिया दौरे से लौटने के बाद एमजे अकबर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। न्यूज टाइम्स के लिए निखिल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।